Welcome back. We are talking about sorting material into group. Today we'll talk about hardness of material. When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ की हथेली पर रखकर उसको दबाते हैं तो कुछ उसमें से दब जाते हैं और कुछ को दबाना थोड़ा मुश्किल होता है. Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk and any other material or object. कोई की लीजिए, धातु की कोई की चाबी लीजिए, उसको स्क्रैच कीजिए किसके साथ, विद द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, लकड़ी के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर, पीस ऑफ स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर, अपने नेल के ऊपर या कैंडल्स या चाक, किसी भी ऑब्जेक्ट पर. यू कैन ईजिली स्क्रैच सम ऑफ मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स के ऊपर हम ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं क्योंकि जो मोम से बने हुई है, जो कैंडल है हमारी, उसको हम स्क्रैच कर सकते हैं या चाक को स्क्रैच कर सकते हैं. पत्थर को स्क्रैच करना थोड़ा और मुश्किल होगा एक बार में. वाइल सम कैन बी स्क्रैच सो ईजिली, क्योंकि कुछ को तो आसानी से स्क्रैच किया जा सकता है. मटीरियल विच कैन बी compressed or scratched easily are called soft, while some other material which are difficult to compress are called hard. क्योंकि जिनके ऊपर स्क्रैच आसानी से पड़ जाता है वो क्या कहलाते हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, जबकि जिनके ऊपर स्क्रैच करना मुश्किल होता है वो हार्ड मटेरियल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड. ये उदाहरण के लिए हम कॉटन और स्पंज की बात करते हैं तो वो उनको दबाना कितना आसान होता है, परंतु लोहे को दबाना कितना मुश्किल होता है. इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, देखने में कुछ मटेरियल्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक लस्टर, चमक होती है, हार्डनेस होती है. हम लस्टर की बात हम लास्ट क्लास में हमने की थी, चमक की बात की, सरफेस को काट के किस तरह से हम उसकी उनको अलग कैटेगराइज कर सकते हैं. परंतु अब हम हार्डनेस की बात करते हैं कि हार्डनेस और स्मूथनेस उसकी भी, स्मूथ और भी, रफ और स्मूथ. Can you think of other property that describe the appearance of a materials? कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आप अगर डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारे अपीयरेंस देख के ही हम बता सकते हैं कि हार्ड है, सॉफ्ट है, लस्ट्रस में है, नहीं है, तो वो सारे डिस्कस हम कर सकते हैं. सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, अगर हम करते हैं बात सोल्यूबल और इनसोल्यूबल. सोल्यूबल होता है जो कि पानी के अंदर घुल जाते हैं, लिक्विड के अंदर घुल जाती हैं चीज़ें. इनसोल्यूबल है जो कि लिक्विड के अंदर नहीं घुलती. एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, साल्ट, चाक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट. टेक 5 ग्लास और बिकर्स, कि कुछ चीज़ें लीजिए. जैसे एक्टिविटी 4 में दिखाया गया है कि हम चीनी लेते हैं, साल्ट लेते हैं, नमक लेते हैं, चाक पाउडर लेते हैं, रेत लेते हैं और डस्ट लेते हैं. तो इसमें 5 गिलास लीजिए, या बिकर होते हैं जिनको साइंस में बिकर बोलते हैं. 5 फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, उसको आधे से ज़्यादा पानी से भर लीजिए. ऐड ए स्मॉल अमाउंट स्पून फुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, पहले गिलास में चीनी डाल दीजिए एक चम्मच. साल्ट टू द सेकंड, दूसरे में साल्ट, नमक डाल दीजिए. सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंस इन टू द अदर ग्लास, तो दूसरे गिलास में जैसे हमने बात की थी चाक पाउडर की, सैंड की, और सैंड सा डस्ट, जो डस्ट होते धूल होती है उसको, रेत को और चाक पाउडर को डाल दीजिए. स्टायर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून, तो उसको चम्मच की तरह अच्छी से हिला दीजिए, पानी के अंदर घुमाइए. जैसे ही वेट फॉर ए फ्यू मिनट, और उनको बिल्कुल बिना हिलाए रख दीजिए. ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंस ऐड टू द वाटर, तो उनको देखिए जो सब्सटेंस अभी हमने पानी के अंदर घोले थे अच्छी तरह, तो उनको थोड़ी देर पड़े रहने देने के बाद जब हम देखते हैं. नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन फिगर टेबल 4.3. टेबल 4.3 में क्या है, मिक्स डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इनटू वाटर, तो हम उसमें से देखेंगे कौन कौन से मटेरियल जो हैं पानी के अंदर मिक्स हो गए हैं और कौन कौन से मटेरियल जो हैं पानी के अंदर मिक्स नहीं हुए हैं. साल्ट जो है डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर,
तो साल्ट की अपीयरेंस कैसी दिखा रहे हैं, डिसअपीयर, जो कि जो नमक है वो पानी के अंदर पूरी तरह से घुल चुका होगा। शुगर है वह भी डिसअपीयर कम्प्लीटली, क्योंकि चीनी है जो वो भी पानी के अंदर घुल जाती है। सैंड जो है, रेत जो है, वो पानी की जो बॉटम में बैठ जाएगा, तली में पानी के नीचे बैठ जाएगा। और उसके बाद चाक पाउडर है, चाक पाउडर भी वो भी नीचे कंडेंस हो जाएगा, नीचे जाके जम जाएगा। सा डस्ट, जो डस्ट है वो भी उसके कण भारी होके वह भी नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपीयर ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। कुछ का मटेरियल तो हमने जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि कुछ मटेरियल तो अच्छी तरह पानी में घुल जाते हैं, परंतु कुछ घुलते नहीं हैं। वी से दैट दीज ऑफ सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, जैसे चीनी है, नमक है, वो पानी में घुल गया तो उसको हम सोल्यूबल वाटर, सोल्यूबल बोलते हैं, सोल्यूबल। अदर सब्सटेंस डोंट मिक्स विद वाटर एंड डोंट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्टायर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दीज सब्सटेंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कि जो पानी के अंदर नहीं घुलते, अगर उनको हिलाते भी रहें, चाहे जितना मर्जी हिला पानी के अंदर चम्मच के साथ उनको घुमा मिक्स करने की कोशिश करें, परंतु थोड़ी देर बाद वो फिर पानी की जो बॉटम है उसमें बैठ जाते हैं, तो उसको उनको इनसोल्यूबल बोलते हैं। वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व इन लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, दो लिक्विड आल्सो डिजोल्व इन वाटर। तो पानी हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के अंदर से बहुत से सब्सटेंस को अपने अंदर खींच लेता है और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। एक्टिविटी 5 की बात कर लेते हैं। कलेक्ट एग्जांपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। हम कुछ एग्जाम्पल में विनेगर लेते हैं, लेमन जूस लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल लेते हैं और कोकोनट ऑयल लेते हैं, केरोसिन का मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं वो लेते हैं, और कुछ दूसरे लिक्विड ले लेते हैं। टेक ए ग्लास टूम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, उनको पानी से आधा भर दीजिए। एड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टायर इट वेल, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, ऑब्जर्व वाई वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर, रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड एज मैनी डिफरेंट लिक्विड एज आर अवेलेबल टू यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। जैसे ही हमने एक गिलास के अंदर पानी लीजिए, तो उसके अंदर हमने जो अलग अलग तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हमने हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें विनेगर, सिरका है, लेमन जूस है, सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन मिट्टी का तेल है, उनको एक एक गिलास को हाफ पानी से भर के उसके अंदर एक एक स्पून, वन स्पून भर के उसमें डाल दीजिए और उसको हिलाएं, तो अपने ऑब्जर्वेशन को 5 मिनट के बाद देखें, तो उस ऑब्जर्वेशन को देखें कि वो जो ऑब्जेक्ट हमने पानी में डाले हैं ऑयल के फॉर्म में है, क्या वो पानी में मिक्स हो रहे हैं। विनेगर्स क्या है, मिक्स, डज नॉट मिक्स, जो विनेगर्स है वो मिक्स वेल हो जाएगा, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, जो सिरका है वो पानी में घुल जाएगा, लेमन जूस क्या है वो भी पानी में घुल जाएगा, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल नहीं घुलेगा क्योंकि वह पानी की सरफेस जो पृष्ठ है उसके ऊपर आके तैरने लग जाएगा, कोकोनट ऑयल वह भी पानी की सरफेस पे आ जाएगा और तैरने लग जाएगा, केरोसिन है वह भी पानी के स्टेप पे आ जाएगा, तैरने लग जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो पानी में हैं, जो ऑयल फॉर्म में हैं, तो पहले तो हमने सॉलिड फॉर्म की फॉर एक्टिविटी 4 में सॉलिड फॉर्म में बात की थी, सोल्यूबल इनसोल्यूबल की बात की थी, परंतु एक्टिविटी 5 में जो ऑयल पानी जैसी चीज़ें होती हैं वो भी पानी में मिलती हैं कि नहीं मिलती, इसके ये डिफरेंस बताया गया है कि जो विनेगर्स है वो मिल जाएगा, लेमन जूस भी मिल जाएगा, परंतु जो सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, ये पानी में नहीं मिलेंगे, ये पानी की सतह के ऊपर अलग से ही तैरते नजर आएंगे। We notice that some liquid get completely mixed with water, some of other don't mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. तो जैसे हम देखते हैं कि कुछ पानी के अंदर अच्छी तरह लिक्विड मिक्स हो जाते हैं, परंतु कुछ लिक्विड पानी के जो सरफेस ऊपरी भाग है उसकी पृष्ठ पे आके एक अलग ही लेयर तैयार कर लेते हैं, जो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट, क्योंकि पानी के अंदर कुछ गैसें मिल जाती हैं परंतु कुछ गैसें नहीं मिलती। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजोल्व इन इट, क्योंकि पानी के अंदर कुछ गैसों को डिजोल्व करने की क्वांटिटी होती है, कुछ मात्रा में घुल जाती हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस,
Dissolving water in very important for the survival of animal and plant that live in water. तो जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी के अंदर सोल्यूबल है, घुल जाएगी, तो वो क्योंकि वह पानी के अंदर रहने वाले जीवों के वो जीवन प्रदान करती है. ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर. अब हम बात करते हैं कि जो कौन से ऑब्जेक्ट जो है पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, सिंक होता है पानी में डूब जाते हैं, कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो पानी में डूब जाते हैं. वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इंसोल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आवर आउट फ्रॉम वाटर. कि हमने एक्टिविटी 4 में भी इसके बारे में बात की थी कि पानी में कौन से डूब जाते हैं और कौन उसमें तैरते हैं. तो इनसोल्यूबल सॉलिड, जो इनसोल्यूबल हैं, जो पानी में घुलते नहीं हैं परंतु सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, वो पानी में नहीं घुलते, उनको पानी से अलग निकाला जा सकता है. यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5. तो कुछ लिक्विड की बात हमने एक्टिविटी 5 में भी की थी कि उसमें से भी जो लिक्विड पानी में की सतह पर तैरते हैं उनको हम पानी से सेपरेट कर सकते हैं, परंतु जो घुल जाते हैं उनको सेपरेट करना मुश्किल है. सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डोंट मिक्स विद वाटर फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर. कि जो पानी के अंदर घुलते नहीं हैं वो पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाते हैं. जैसे अभी हमने एक्टिविटी 5 में तेल की बात की थी कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, वो पानी में नहीं घुलते और उसकी सतह पर तैरने लग जाते हैं. अदर मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टुम्बलर और राइट. कि कुछ जो भारी होते हैं वो पानी के अंदर जाके पानी में डूब जाते हैं. ठीक है. वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर सिंक. ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, ए स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द पॉन्ड, फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर विल, व्हाट हैपन टू ऑल दिस. देखो जो ऑब्जेक्ट पानी से भारी हैं, पानी के सरफेस से जिनका आयतन ज़्यादा है, वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, परंतु जो हल्के हैं वो पानी में तैरना शुरू कर देते हैं. वो जो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जांपल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर. व्हाट अबाउट टेस्टिंग दी सम सेम मटेरियल टू सी इफ इट दे फ्लॉट और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल्स. कि ये ऑब्जेक्ट्स के दूसरे किसी मालो पानी को छोड़ के अगर हम इन सबको पानी के बजाय रेत को इनको तेल के अंदर डाल के देखें, या कैरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल में डाल के देखें, कोकोनट ऑयल में डाल के देखें, जब वो पिंगला होता है, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में होता है, तो क्या उस समय वो उसमें डूबते हैं या उसमें भी सिंक करते हैं. तो इसके एक अलग से प्रैक्टिकल करके देखने की ज़रूरत है. उसको आप करके भी देख सकते हो कि क्या ये लिक्विड इसके अंदर होंगे, सरफेस पे तैरेंगे या इसके बॉटम में बैठ जाएंगे. आगे है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी होती है कि हम ऑब्जेक्ट को एक जैसे एक मिरर के अंदर से हम एक सरफेस से दूसरी तरफ देख लेते हैं, जो मिरर होते हैं विंडोज़ में लगे होते हैं. तो परंतु कुछ जैसे हम पॉलीथीन के अंदर से देख सकते हैं, तो वो उसके ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं. यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स. तो हम जब हम खेलते हैं, मान लो हम लुका छिपी का खेल खेलते हैं, तो हम ऐसी जगह छुपना चाहते हैं जहाँ पर हमें कोई दूसरा ना देखे. तो वाई डिड यू चूज दोज प्लेस, वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो. क्या कभी हम कांच की खिड़की के पीछे छिपते हैं जिसके आर पार दिख रहा हो? कभी ऐसी जगह नहीं छिपते. ऑब्वियसली नॉट, एज यूअर फ्रेंड्स कैन सी थ्रो दैट एंड स्पॉट यू. क्योंकि ऐसी जगह अगर हम छिपेंगे तो जो हमारे साथ खेल रहा है वो हमें वहाँ से बाहर से देख के हमें नोटिस कर लेगा. यू कैन सी थ्रो ऑल द मटीरियल्स, क्योंकि बाहर से जो मिरर हैं विंडो के पास से हम देख आर पार देख सकते हैं. दोज सब्सटेंस और मटेरियल थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. जिन मटेरियल्स के अंदर से हम आर पार इधर से उधर देख सकते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपकी डेफिनेशंस भी बनती हैं. ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल. चाहे वो गिलास हो, कांच का गिलास हो, पानी हो, हवा और अदर प्लास्टिक की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो
जिनके आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो सकते हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर वीटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर कैन ईजिली सी दीज आइटम। क्योंकि दुकान पे जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जहाँ पर वो डिब्बे के अंदर ट्रांसपेरेंट बॉटल्स के अंदर कुछ जो सामान रखा होता है, हम उनको चाहे वो प्लास्टिक की हों चाहे वो कांच की हों, तो उनके अंदर से देख के ही अपने लिए चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ खरीदनी है। ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक्यू। मान लो हमारे कंक्रीट की दीवार है, ईंट की दीवार बनी हुई है, वो उसमें से नहीं देख सकते हैं। कोई कपड़ा है उसके अंदर से हम नहीं देख सकते। यू कैन नॉट टेल वट इज़ कीप्ड इन ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स, ए कार्डबोर्ड कार्टून और ए मेटल कंटेनर, कि धातु के अंदर से, लकड़ी के बने हुए बॉक्स के अंदर से, कार्डबोर्ड के बने हुए गत्ते के पेटी के अंदर से हम झांक कर नहीं देख सकते, कि बाहर से नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या है। वुड कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटीरियल, जिनके अंदर से हम झांक कर नहीं देख सकते, बाहर से हम नहीं बता सकते कि क्या है, वो क्या कहलाएंगे, ओपेक मटीरियल्स। उसके बाद डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, क्या हम ऑब्जेक्ट्स को किसी कन्फ्यूजन के बिना उनको ओपेक और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में बांट सकते हैं। एक्टिविटी 6 की तरफ बात करते हैं। टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रो इट टवर्ड ए लाइट बल्ब। अगर हम एक अपने हाथ में एक पेपर की लीजिए, कागज लीजिए, उसके अंदर से हम अगर लाइट की तरफ देखना शुरू करें, मेक ए नोट योर ऑब्जर्वेशन, तो हम उसमें नहीं देख पाएंगे। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ सम ऑयल एंड सेपरेट इट ऑन द शीट टू पेपर, कि अगर अब हमें अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लीजिए और उस 2-4 बूंदे उसके कागज़ के ऊपर गिरा दो, तो उसको अच्छी तरह से शीट के ऊपर स्प्रेड कर दो, छिप बिछा दो, पूरी शीट के ऊपर लगा दो एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ, लुक अगेन टुवर्ड द लाइट एंड बल्ब थ्रो दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड, कि जितने पार्ट के अंदर हमने तेल को गिराया है, अगर हम दोबारे से उस पार्ट के अंदर से, सिर्फ उतने भाग के अंदर से उस बल्ब को देखें, बिजली के बल्ब को जलते हुए को देखें, डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, तो अब हम पहले से ज़्यादा क्लियरली उस बल्ब को देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले हमने उस पर तेल नहीं लगाया था, ऐसे ही उसको देख रहे थे, अब हमने ऑयल की कुछ बूंदें गिरा दी हैं, उन बूंदों के जहाँ जिस भाग पे बूंदों को बिछाया गया, ऑयल को बिछाया गया, उस पार्ट में से हम देख रहे हैं, क्या हम वहाँ से देख सकते हैं। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, क्या हम उस ऑयल पेपर के अंदर से पूरी तरह से क्लियर देख सकते हैं। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज ऑफ इट विजुअल, क्या दूसरी तरफ हम बिल्कुल सही देख सकते हैं, नहीं, परहैप्स नॉट, शायद नहीं, क्योंकि द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, कि जिन ऑब्जेक्ट के अंदर से हम देख तो सकते हैं परंतु क्लियरली नहीं देख सकते। हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक और ट्रांसपेरेंट के आधार पर ही बांट सकते हैं क्या, परंतु कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनके अंदर से हम देख सकते हैं परंतु क्लियरली हम उसके अंदर से नहीं देख सकते कि, तो वो क्या कहते हैं, वो तीसरी कैटेगरी में डाले जाते हैं, उनको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट, कि जब हमने लेसन सेकंड में ये किया था कि फैट को पता लगाने के लिए खाने को कागज़ के अंदर पकड़ा था, तो जैसे ही उसके ऊपर ऑयल छोड़ जाता था वो, तो वो उसके अंदर फैट का पता लगा लेते थे, ये फैट का टेस्ट हमने किया था, दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, क्यों वह भी जो पेपर था वह भी ट्रांसलूसेंट बन जाता था। कैन यू थिंक ऑफ सच मोर एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल, क्या आप इस तरह के ट्रांसलूसेंट मटेरियल की अन्य कोई उदाहरण दे सकते हो, वो आप खुद सोच सकते हो। यू कैन देयरफॉर ग्रुप
मटेरियल एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो हम इसको तीन भागों में बांटते हैं, ओपेक्यू जिसमें हम बिल्कुल नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर से हम क्लियर देख सकते हैं, और ट्रांसलूसेंट जिसके अंदर से हम देख तो सकते हैं परंतु क्लियरली नहीं देख सकते। पहली सुजेस्ट का कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, शी वांट टू नो। पहली कहती है कि अगर हम अंधेरे कमरे में अपने टॉर्च के ऊपर हाथ की हथेली को रखें, क्या हम दूसरी तरफ देख सकते हैं? सी वांट टू नो वेदर पाम ऑफ अवर हैंड इज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और लूसेंट। तो हम ये वह जानना चाहती है कि हमारे हाथ की हथेली ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट में आएगी या ट्रांसलूसेंट में आएगी। वी लर्न दैट मटीरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन द वाटर और अदर लिक्विड। हमने सीखा है कि मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस, अलग अलग तरह की अपीयरेंस होती हैं, हर मटेरियल देखने में अलग होता है। प्लास्टिक अलग है, लोहा अलग है, धातुएं अलग हैं और रेत अलग हैं। तो एंड वी दे मिक्स इन अ वाटर और अदर लिक्विड, तो कुछ चीज़ें वाटर के अंदर अच्छी तरह मिल जाती हैं, कुछ दूसरे लिक्विड्स के अंदर अच्छी तरह मिल जाती हैं, कुछ पानी में नहीं मिलती, कुछ मिल जाती हैं। दे मे फ्लॉट और सिंक इन वाटर, मे बी ट्रांसपेरेंट ओपेक्यू ट्रांसलूसेंट। कुछ पानी में घुल जाती हैं और कुछ पानी में ऊपर तैरने लग जाती हैं, कुछ पानी के बॉटम में बैठ जाती हैं, और कुछ ट्रांसपेरेंट होती हैं, ओपेक्यू होती हैं, ट्रांसलूसेंट होती हैं। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। इस तरह से हम अलग अलग जो धातुएं हैं, मटेरियल्स या सामग्री है, उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल इन एवरीडे लाइफ, वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस। हमें मटेरियल्स को ग्रुपिंग करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि एवरीडे लाइफ, हम हर रोज़ के जीवन में, ताकि अपना जीवन को सुविधाजनक बना सकें, कि प्लास्टिक की चीज़ें अलग हैं, लोहे की अलग हैं। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टूगेदर। हम घर पे भी जो एक जैसी वस्तुएं बनी हुई हैं उनको अलग जगह पे प्लेस करते हैं, स्टोर करते हैं। सच एज अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजली, ताकि हम उसको सही जगह पे रख सकें और सही समय पे उनको यूज कर सकें। सिमिलरली एक ग्रोसर यूजली कीप्ड ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल शॉप्स एट अनदर वाइल ग्रेन एंड पल्स आर स्टोर एट सम अदर प्लेस। कि जिस तरह से एक ग्रोसर होता है, किराने वाला, अपने बिस्कुट के अलग कॉर्नर में रखता है, सभी तरह के बिस्कुट जो होते हैं उसके अलग ही एक ही कॉर्नर में मिलेंगे, जबकि अनाज और दालें अलग जगह पे स्टोर की होंगी, क्योंकि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़्यादा जरूर डिमांड होती है उनको अपने अलग कॉर्नर में, अपने पास वाले कॉर्नर में रखते हैं, जिन चीज़ों की थोड़ी कम ज़रूरत होती है उनको थोड़ा अपने से दूर रखते हैं या फिर उनको अलग कॉर्नर में रखा जाता है। देर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ए ग्रुपिंग यूजफुल। ग्रुपिंग की को क्यों किया जाता है, इसके और भी कारण हो सकते हैं। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। तो मटेरियल को अलग अलग भागों में डिवाइड करना, तो उनकी प्रॉपर्टी को सुविधाजनक ढंग से जानने के लिए भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, कि उनकी प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी तरह से जान सक पारी हासिल कर सकते हैं। आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर ऑब्जर्विटी प्रॉपर्टी, वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लास। तो इसके बारे में हम ऊपर जो बड़ी सेवन्थ क्लास में होंगे तो इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिल आपको लेसन में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर और के बारे में बताएंगे। तो हैव ए नाइस डे।